क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मौके पर आपके सिलेक्शन के सपनों को सच करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए उम्मीद का वर्ल्ड कप रणनीति का महासंग्राम अब अप ऑफ और 50 की एक्स्ट्रा ऑन ऑल सुपर कोचिंग तो अगर आप आने वाले इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस 28, 29, तीस और इकतीस अक्टूबर चलेगी ये धमाकेदार सेल तो अभी जाइए और इस धमाकेदार सेल का लाभ उठाइए इनरोल नाउ आप सभी का, सुभी का सुभी के बच के ऊपर. चुके हैं सुबह 10 और 10 बजे क्लास आपकी हफ्ते में सिर्फ एक दिन होती है वो है सैटरडे बाकी दिन मंडे टू फ्राइडे होती है आपकी क्लासेस 9 बजे ठीक है और संडे को तो सुबह कोई क्लास ही नहीं होती है तो एक बार मुझे बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं बिकॉज दिस इज मैराथन मैराथन में हम बहुत तेजी से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हम एक या दो घंटे में कम से कम सौ सौ तो कम से कम हम क्वेश्चन कर ले उससे ज्यादा ही क्वेश्चन कर ले मुझे बताइए कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है ऑडिबल एंड विजिबल टू और ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स जल्दी जल्दी से क्योंकि आज के क्वेश्चन में मजा बहुत आने वाला है सब बढ़िया है क्लियर है चलिए परफेक्ट तो बेसिकली आज आप लोगों को यह समझ में आएगा ठीक है आज आप लोगों को यह समझ में आएगा कि एग्जाम में जो गूगली वाले क्वेश्चन होते हैं ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ठीक है ये हमें कैसे करने हैं वो चीज आपको आज समझ में आने वाली है ठीक है तो मतलब मजा बहुत आएगा ठीक है स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सेशन देखिएगा चलिए तो जो लोग पहली बार आए हैं सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना दिस इज ऑफ टेलीग्राम ग्रुप जहां पर मिलते हैं आपको सारे पीडीएफ नोटिफिकेशन इट ठीक है जी और तो और यार एक बहुत गजब की सेल आई है एस का सुपर पैक आपका लोएस्ट प्राइस पे आपको मिल रहा है You बिलीव एस एस सी का सुपर पैक जो कल तक आपको डिस्काउंट के बाद कुछ चौदह पंद्रह सौ का मिल रहा था वो आज आज नौ महीने का आपको सिक्स जीरो थ्री का मिल रहा है सो गाइज इट्स हाई टाइम क्योंकि एस एस सी का कैलेंडर मैंने आपको बताया था कल रात में एस एस सी दो हजार चौबीस का कैलेंडर आपका आने ही वाला है मतलब नवंबर दिसंबर तक वो आ जाएगा और दो के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम है अभी प्रिपरेशन नहीं करी तो मतलब आपने इतना बहुत वैल्यूएबल टाइम पर गवा दिया है सो नाउ इज द टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग तो शुरू कर दीजिए बस अपनी तैयारी को मतलब बोलते हैं पूरे जोश के साथ और बिल्कुल सही जगह पे आप कहीं भी रास्ता अगर भटक जाना तो फिर वहां से वापस आने में टाइम बहुत लगता है जो आप ऑलरेडी पूरा साल आपका वेस्ट कर देता है ठीक है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर ट्रिपल डब्ल्यू डॉट एसबुक डॉट कॉम पे जाकर भी आप परचेज कर सकते हो नीचे मेरा कोड लिखा हुआ है यार मल्टीपल बेनिफिट्स हैं छे मंथ का सब्सक्रिप्शन पहली बात तो फ्री मिल रहा है नाइन मंथ्स का प्रॉपर एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर्ड है छे महीने या फिर मैं इनफेक्ट मैं तो कह रही हूं एक साल का हो पाए तो एक साल का लेना ये वाला नौ महीने का सिक्स जीरो थ्री का मिल रहा है पास प्रो फ्री मिल जाएगा अगर आपने ये कोड यूज कर रखा है तो ये डिस्काउंट भी मिलेगा पास प्रो भी मिलेगा मतलब इतने पैसे आपको कहीं कोचिंग में देने की जरूरत ही नहीं है भाई अगर आपके पास ये वाली ऑनलाइन कोचिंग है तो क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपर लाइव चलते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के पैरामाउंट वगैरह की भी रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर रहती हैं ठीक है तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार लाइव पढ़ना हो रिकॉर्डेड पढ़ना हो दिन में जिस समय पढ़ना हो कहीं जाना नहीं है घर पे बैठ के पढ़ना है एवरीथिंग इज अवेलेबल है ठीक है अगर सिर्फ सीजीएल का बैच लेना है तो सिर्फ सीजीएल का बैच आपको फोर का मिल रहा है सिक्स यानी कि नौ महीने का तो अब पूरा का पूरा डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है कैसे तैयारी करनी है मैं क्लास के एंड में आपको यह भी डिटेल में बताऊंगी कि, कि किस तरीके से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं कूपन कोड लगा के तब तक अगर आप करना चाहते हैं तो कोड आपके सामने लिखा है अनन्या ठीक है चलिए आज के पहले सवाल पे हम यहाँ पे चलते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पे हंड्रेड गजब के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं जो कि आपके लिए सुपर चैलेंजिंग होंगे मतलब वो सवाल जो स्टूडेंट से नॉर्मली सही नहीं होते हैं ठीक है मतलब इन क्वेश्चन पे अगर आपको बहुत इजी क्योंकि इंग्लिश इजी आती है एसएससी में और अगर बहुत ही हलवा इंग्लिश भी आ रही है तो ये वो सवाल है जो कि लोगों के नहीं सही होते हैं ठीक है आइए एक क्वेश्चन लिखा है जरा देखिए इसको टैकल करने की कोशिश करो सब लोग देखिए भाई कैसे करते हो आइए शुरू करिए एक सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है जल्दी जल्दी से ये प्रॉपर आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना श्रेया हैज बीन वेटिंग इन द क्यू टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स सिंस टू आवर्स श्रेया क्यू में लाइन में वेट कर रही है पिछले दो घंटे से बिजली का बिल देने के लिए श्रेया पिछले दो घंटे से लाइन में वेट कर रही है बिजली का बिल देने के लिए जल्दी से देखो और बताओ दो घंटा टू आर इज अ टाइम पीरियड और टाइम पीरियड के लिए क्या हम कभी यूज करते हैं अगर फ्लो में ये स्टेटमेंट पढ़ा जाए तो ये स्टेटमेंट पढ़ने में बिल्कुल सही लगता है है ना? ये स्टेटमेंट देखने में पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है बट बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा फॉर टू आर्स होना चाहिए टाइम पीरियड के लिए कभी सेंस लगता ही नहीं है मेरे दोस्त ठीक है फॉर टू आवर्स विल बी यूज ना की सेंस टू आर्स ठीक है तो इंग्लिश पे कभी कभी देखो वैसे तो हम भरोसा करते हैं कि जो चीज पढ़ने में सही लग रही है वो सही है लेकिन कई जगह ऐसी ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं जहां पे पढ़कर जो, पढ़ जो चीज आपको दिख रही है वो गलत है ठीक है आइए अब भाई पहली बात तो तुम लोग थोड़ा एनर्जी बढ़ा लो इसके साथ मैं क्लास कैसे ही दो घंटे ले पाऊंगी या तो आधे घंटे भी क्लास नहीं चलेगी अगर आप लोग इस तरीके से रहोगे तो बताइए भाई पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है क्योंकि आप लोग की एनर्जी तो लग रही है कि भाई यू गाइज आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन द क्लास तो भाई मैं तो 15-20 मिनट में फिर 10-15 क्वेश्चन करा के फिर निकलती हूँ क्योंकि सैटरडे यार मेरे पास बहुत सा काम होता है और मेरे पास लिटरली अगर यहाँ पे लोगों को पढ़ना ही नहीं है तो वाई वुड आई टेक दिस क्लास बड़े आराम आराम से आंसर कर रहे हैं सब चलिए करिए आराम आराम से उंड <clears> डजेंट <throat> होना चाहिए देखो भाई कहता है क्वेश्चन इवन द मोस्ट वाइस डोंट नो वॉट्स हिडन इन द डेप्स ऑफ देअर बींग क्या कहना है आप लोगों को इसमें डजेंट इवन द मोस्ट वाइस सबसे पहली बात मेरे दोस्त सबसे पहली बात मोस्ट वाइस वाइस का जो सुपरलेटिव होता है क्या वो मोस्ट वाइस होता है पहले तो हमको यार ये बता दो वाइस का सुपरलेटिव मोस्ट वाइस होता है नहीं ना तो यहां पे मोस्ट वाइस आप लोग को खटका नहीं खराब नहीं लगा किसी ने भी सही आंसर नहीं बताया एक भी बंदे का सही आंसर नहीं आया यहां पर तो होना क्या चाहिए इवन द वस्ट इवन द वस्ट और यहां पर द का मतलब है वो लोग जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है द एज एज अ अ ग्रुप कम्युनिटी यहां पर यूज हो रहा है याद है जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ द लगाते हैं तो वो पूरी क्लास को रेफर करता है एग्जैक्टली exactly वही केस है यहां पे तो डोंट बिल्कुल सही है सिर्फ गड़बड़ी यहां पर थी मोस्ट वाइस में थी बताइए आया मजा गई बहस पानी में कोई टेंशन नहीं है ठीक है बस चाहो तो एक नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ और क्योंकि पे ऐसे आज बहुत से कॉन्सेप्ट आएंगे ठीक है क्वेश्चन ही हम वैसे लेकर आए हैं जो आप लोगों गलत करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स ठीक है अब ये देखो जरा जल्दी से और क्लास को लाइक करते हुए चलो सारे जो पहली बार आए हैं क्लास में और मतलब पहली क्या आई ही हो क्लास में तो फटाफट -फड़ से लाइक जरूर कर देना ठीक चलें और बताएं। देखे भाई ओके ओके बहुत बढ़िया लोग कह रहे हैं एज द होना चाहिए आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट इट इज फॉर द विंड वॉज रसलिंग द कॉर्न शॉक्स एज द कॉर्न शॉक्स अच्छा बताइए <laughs> कहता है आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट इट इज फॉर द विंड वॉज रसलिंग द corn शॉक्स बताइए मेरे को यार ये स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या गड़बड़ बता रहे हो ये स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है एज इट इज ये जो स्टेटमेंट जब जब तक स्टेटमेंट का मतलब ही ना समझ में आए तो हम कैसे कह सकते हैं है ना इसका मतलब जो यहाँ पे गड़बड़ है मेरे दोस्त वो कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसकी वजह से ही ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ पा रहा है तो ऐसी इसमें क्या चीज हम हटा सकते हैं या क्या ऐड कर सकते हैं जिससे कि ये स्टेटमेंट एक प्रॉपर सेंस दे सो आई कुड नॉट मेक आउट एक बात बताओ कि पूरा स्टेटमेंट ही गड़बड़ है या तो इसको कुछ इसके जो प्रॉपर वो है सीक्वेंस ही गलत है एक्चुअल में होना क्या चाहिए आई कुड नाउ आई कुड नॉट मेक आउट वॉट वॉज रसलिंग रसलिंग कॉर्न शॉक्स ये होना चाहिए प्रॉपर स्टेटमेंट ये है प्रॉपर स्टेटमेंट आई कुउट वॉट वॉज रसलिंग द कॉन शॉक्स मतलब मुझे समझ में नहीं आया मुझे समझ में नहीं आया कि क्या चीज थी जो कॉन शॉक्स को रसल कर रही थी हिला रही थी ठीक है ठीक है बताइए और दूसरा क्या हो सकता है फॉर दंड वॉज Rustling. the corn shocks. तो अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं ध्यान से सुनना इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ना चाहें तो यहां पे बस एक चीज एक्स्ट्रा है और वो है इट इज ठीक है तो इस पूरे स्टेटमेंट में अगर हमको एरर बतानी होगी तो इस केस में हम क्या करेंगे इन दोनों सेंटेंस को अगर ऐड करेंगे तो इट इज इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है तो इट इज को अगर हम रिमूव कर दें तो काम हमारा चल जाएगा तो आंसर यहां पे क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर क्योंकि इट इज यहां पर हमारे पैरलिज्म को गड़बड़ कर रहा है ये आपको तब समझ में आएगा अगर देखो हम क्या करते हैं ना कनेक्टर्स वाली चीज अब देखो एस में कनेक्टर्स तो पूछे नहीं जाते हैं है ना बैंक में जैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको दो कनेक्टर्स दिए गए हैं उन दो कनेक्टर्स को जोड़कर आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करना है है ना उसी टाइप का क्वेश्चन था उसी टाइप का पैटर्न था ये कि अगर आप दो को अलग अलग कर रहे और दोनों को जोड़कर देखें कि क्या चीज उनमें से एक्स्ट्रा है बस वही चीज को अगर हमने हटा दिया तो वही हमारा आंसर बन गया ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर ठीक है क्लियर है बस बेसिकली जब भी आपको नहीं समझ में आएगी कोई चीज आपको बस वो चीज़ फिगर आउट करनी है जो उसमें एक्स्ट्रा है जिस चीज की वजह से स्टेटमेंट इलॉजिकल लग रहा है आपको मीनिंगलेस लग रहा है ठीक आइए कोई दिक्कत नहीं है हमने क्वेश्चन ही आज ऐसे रखे हैं जो आप लोग को ट्रिक करेंगे क्योंकि एग्जामिनर इन क्वेश्चन के थ्रू आपको ट्रिक करता है यहाँ पे ठीक है ऐसे ही थोड़ा ना चैलेंज लिख दिया है हमने आइए देखिए क्या होना चाहिए बहुत से लोग कह रहे हैं बी होना चाहिए स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर है स्ट्रेंथ एब्सोल्यूटली राइट कहता है सवाल लंबू जैक्स मसल रिपल्ड विथ स्ट्रेंथ एज ही विगोरसली फेल्ड ट्री आफ्टर ट्री इन द इंटेंस मिड डे हीट की जो मसल्स थी उसमें स्ट्रेंथ थी क्योंकि वो एक एक करके सारे ट्री को गिराता जा रहा था उसके लिए तो किसकी किसकी नीड है इंडियोरेंस की नहीं पावर की नहीं एनर्जी की नहीं स्ट्रेंथ की ताकत की ठीक है यहां पे चारों वर्ड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाए गए हैं क्योंकि चारों वर्ड्स के ही मीनिंग लगभग लगभग सेम है ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखना बताओ लेट्स सी जब आपके सामने कोई स्टेटमेंट आता है तो वो क्या चीज है जो आप सबसे पहले देखते हैं ये बताइए जब भी कोई स्टेटमेंट आपके सामने आए तो व्हाट्स दैट थिंग जो आप सबसे पहले देखते हो जल्दी से सोचो और बताओ वो क्या चीज होती है जो सबसे पहले आप देखते हो उसके टेंसेस देखते हो उसके पैरलिज्म देखते हो और बस वही प्रॉब्लम है यहां पर ठीक है क्या होना चाहिए अनएडल्टरेटेड एंड अनबैश द टू वर्ड्स

क्या होना चाहिए आंसर इफ we रिलीज द fishes ऑन द water surface, दे विल बी ए एक second यहां पर पहली बात तो fishes ये टाइपो है क्योंकि ये वाली एरर ही यहां पर नहीं है दिस इज टाइपो इसको हम फिश ही लिखेंगे fishes नहीं लिखेंगे ये आपका स्टेटमेंट है ठीक है जो गलती है वो विल बी की है दे विल बी ईट दे विल बी ईट बाय बिगर फिश ठीक है क्योंकि दो पार्ट्स में तो एरर हो ही नहीं सकती सो so, अगर हम मछलियों को अगर हम मछलियों को रिलीज कर देंगे पानी में तो बड़ी मछलियां उनको खा जाएंगी दैट इज द सेंस ठीक है आगे चले लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन शी वॉज वेटिंग फॉर opportunity to start her own business. बताइए वो एक मौके को ढूंढ रही है जिससे कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए जल्दी से बताइए और क्लास को लाइक करते चलो भाई नहीं किया है अब तक तो वो मौके को ढूंढ रही है जहां पर वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाए। An opportunity is absolutely right. मतलब बड़ी मुश्किल से मैं इसको अ ऑपरचुनिटी पढ़ पाई हूँ ठीक है बिल्कुल सही अनऑपॉर्चुनिटी यहाँ पे किससे इस वाले क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को ये कॉन्सेप्ट ना पता हो इस वाले स्टेटमेंट में लोग क्या करते हैं इस वाले स्टेटमेंट में लोग इसको रीड ही अनऑपॉर्चुनिटी कर जाते हैं इसलिए वो गलती नहीं ढूंढ पाते हैं इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है ठीक है कि हम ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल्स भी पहचान पाए कि जो गलत है ठीक है चले आगे लेट्स गो नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा तेज चल लो भाई नॉट ओनली हमारे पास पेयर होता है यार समझ रहे हो वी हैव अ पेयर कौन सा पेयर होता है पेयर होता है हमारे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो ठीक है बट ऑल्सो यहाँ लगा है यहां पे हमें बस not only करना है को रिलेटिव कंजंक्शन का पेयर है नॉट ओनली बट ऑल्सो सही है कि सिर्फ मैन ही काम नहीं कर रहे थे वुमेन भी अपना हिस्सा प्ले कर रही थी नेक्स्ट देखिए और बताइए हमें Jolly Ali says speed up the most okay, okay. People are saying the most. और कुछ लोग कह रहे हैं टेंड टू होना चाहिए अब यहां पर एक बात समझिएगा यहां पर मोस्ट सुपरलेटिव के लिए की तरह से यूज नहीं हो रहा है जब भी मोस्ट को हम सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज करते हैं तब उसके साथ डाल लगता है यहां पे मोस्ट का मतलब है ज्यादातर तो सुपरलेटिव तो आ ही नहीं रहा सुपरलेटिव की तरह तो यूज ही नहीं हो रहा है कहता है क्वेश्चन द प्रॉब्लम इज हाउ मोस्ट सेंट्रल बैंक मतलब ज्यादातर सेंट्रल बैंक स्टिल टेंट्स टू क्योंकि बैंक है तो टेंट टू होना चाहिए अब बताइए ऐसे वाले क्वेश्चन में आपका जो एग्जामिनर है ही इज वेरी क्लेवर वो स्टार्टिंग में क्या करता है वो स्टार्टिंग में ऐसा चीज डाल देगा कि आप वहीं तक पढ़कर आंसर मार्क कर देंगे पीछे आओगे ही नहीं और बस यही आपके नंबर ले होता है ठीक है तो ये बिल्कुल भी मत करना पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आंसर करना ठीक है ये छोटी सी आपके लिए एडवाइस है इन क्वेश्चंस के तरीके से ठीक है चलो नेक्स्ट देखो भाई बताना बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है लेट्स सी टलिस्ट hmm. कह रहे हैं कुछ लोग द्रिगर ट्रिगर और मतलब हमको लगभग लगभग सेम वर्ड चाहिए ट्रिगर जैसा ट्रिगर का मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी इमोशन वगैरह को जगा दे कोई ऐसी चीज कैटलिस्ट भी तो कहला सकती है जो किसी रिएक्शन को बढ़ा दे इमोशन को जगा दे तो उसको हम ट्रिगर कहेंगे या फिर कैटलिस्ट कहेंगे बिल्कुल सही है ठीक है, डॉगमा क्या होता है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत एलिजी किसी की डेथ में जो गीत गाया जाए और एक ऐसी एग्रेसिव स्पीच होती है जो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बोली जाती है सो ठीक है चले आए आगे देखो भाई नेक्स्ट क्या कहता है स्टेटमेंट जरा पढ़िए जोर से और एक बार यार क्लास को लाइक कर दो सारे के सारे क्योंकि मैराथन क्या मुझे तो नॉर्मल क्लास जैसी भी एनर्जी नहीं लग रही है फिलहाल इस क्लास के अंदर तो भैया क्लास चाहिए है क्लास की नीड है तो मुझे एनर्जी दिखानी पड़ेगी भाई क्लास में चलिए बताइए क्या हो जाएगा द कैप्टन अलोंग विद टीम आर पार्टिसिपेटिंग अब इसको देखकर लोगों को अक्सर यह चीज सही लगती है बट बट कैप्टन पहला सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट यहां पर टीम है जिनको जोड़ रहा है अलोंग विद तो यहां पे वर्ब किसको अग्री करेगी द फर्स्ट सब्जेक्ट कैप्टन यहां पर सिंगुलर है तो यहां पे वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए ठीक है आंसर हो जाएगा इस पार्टिसिपेटेड कोई प्रॉब्लम इज पार्टिसिपेटेड ठीक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही कॉमन रूल है अब हमको यहां पे कनेक्टर्स याद रखने हैं कि जिनसे पहला वाला कनेक्ट होता है या जिनसे दूसरा वाला कनेक्ट होता है राइट right? जी अलोंग विद मतलब जो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं आइदर नाइदर है ना नॉट ओनली बट आल्सो आइदर या और इन सब के अलावा जितने भी कनेक्टर्स हैं उनके लिए यही रूल लगता है कि अगर इनसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं तो पहले वाले को अग्री करता है ठीक है आइए नेक्स्ट देखो बताओ देखे भाई कौन दे सकता आंसर क्वेश्चन सेज इन द द समर ईटन अ लॉट ऑफ बेरी ये बेर के बारे में एक फैक्ट लिखा है भालुओं के बारे में कि गर्मियों में भालू होते हैं ना वो बेरीज बहुत ज्यादा खाते हैं गर्मियों में भालू बेरीज बहुत सारी खाते हैं तो क्या हो जाएगा इन द समर द द ईट्स ईट्स अ अ लॉट लॉट ऑफ बेरीज ऑफ बेरीज ठीक है एग्जैक्टली नेक्स्ट देखना कौन दे सकता आंसर यहां पर इन फैक्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन रैपिडली डैश अप दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और कौन सा फ्रेजल वो अब आप यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है बढ़ना इज हैज बीन रैपिडली अब हमको कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए था गोइंग नहीं हैज बीन ऑलरेडी लगा है तो हम सीधे सीधे सिर्फ गोइंग लगाएंगे इज गोइंग अप मतलब दुनिया की पॉपुलेशन ऊपर ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है ठीक है जी, इज गोइंग अप कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर ठीक है चलो भाई अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर आंसर बताइए अब एक बार यहां पे लोग देखेंगे कमेंट सेक्शन में एक बड़ा प्यारा कमेंट आया है दरअसल इनके पिताजी अक्सर जब घर आते हैं तो इनकी माता श्री से एक सवाल करते हैं अपने बच्चों के सामने वो सवाल उन्होंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में किया है जरा देखिए अब सोचिए इनके पिताजी कैसे हैं और इनकी माता जी कैसी हैं और इनका पूरा खानदान कैसा होगा जरा देखिए मैं इसीलिए डिलीट नहीं कर रही हूँ जल्दी से देखो सब लोग क्या नाम है इनका टैलेंट विंडो आई फील सो सॉरी कि ऐसे लोग ऐसा खानदान भी शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं बट अगर आपके पिताजी ऐसे ही बच्चों के सामने आपकी माता जी से ऐसे सवाल पूछेंगे तो क्या होगा यार पूरी जनरेशन ही आप लोग की गंदी है फिर तो शेम शेम ऑन योर फैमिली है ना चलिए चलते हैं हम आगे आइए डैश वेर अ पुलिस मैन नॉक्ड एट द डोर जल्दी से बताइए किसी के क्लास में कुछ भी बोले मेरी क्लास में अलाउड नहीं है मेरे क्लास में आएंगे तो कभी दोबारा मुंह खोलने के लायक नहीं रह जाएंगे है ना चलिए डैश डॉ पुलिस मैन क्या होना चाहिए यहां पे आंसर ही ओके ओके बहुत से लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर वन होना चाहिए डैश वेन अ पुलिस मैन नॉकड एट द डोर ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं काफी सारे लोग ठीक है ठीक है ठीक है मतलब वो गया ही था कि किसी ने डोर खटखटा दिया वो गया ही था कि किसी ने डोर खटखटा दिया अब यहां पे लिखा है क्या वेन लिखा हुआ है मतलब यहां पे क्या आना चाहिए कैसा कंजंक्शन आना चाहिए जिसका पेयर वेन के साथ बनता है ऑप्शन देखो

वो गया ही था कि पुलिस ने दरवाजा खटखटा दिया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए ये पढ़ने वाले नहीं होते अभी देखना दूसरी आईडी से आएगा कुछ नया बोलना है नई आईडी बना के तो ये पढ़ने वाले लोग नहीं है ये ऐसे ही मिलते रहते हैं यूट्यूब पे इग्नोर करिए आइए इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़ बताओ भाई विनय से दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़ क्या होना चाहिए वॉज कमिंग ठीक है ठीक है चलिए बहुत से लोगों ने कहा है कि वॉज होना चाहिए इज नहीं होना चाहिए ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इनडायरेक्ट स्पीच है देखो नरेशन और वॉइस सिर्फ कन्वर्जन के लिए ही नहीं बल्कि एरर डिटेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है है ना ये आपका नरेशन का सवाल है अब देखना ध्यान से विनय विनय दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़ ने कहा कि वो अपने विलेज से आया था अब ये इनडायरेक्ट है इनडायरेक्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ग पास्ट में हो गई मतलब पूरे का ही टेंस चेंज हो जाता है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा ही वॉज कमिंग ही वॉज कमिंग कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ठीक है चले इतनी एनर्जी रखो कि कोई ऐसा आए तो यार हमें दिखे ही ना ठीक है अब तुम ही लोग इतना डल हो तो कोई आके स्पैम करेगा तो एक्स जेड कोई भी दिखेगा यार क्लास में है ना चलिए आप ही लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखो और क्लास को लाइक वाइक करते चलो ठीक है समझ में आ रही है तो टू हटा दिया जाए लोग कह रहे हैं माई मैम टू हटा दो ये किसने आंसर दिया डिंपल यादव आरोही ठाकुर इन दो के आंसर सही हैं बाकी परी ने भी आंसर सही दिया बाकी सब गलत है इवन पीयूष का आंसर भी सही है एक्सक्यूज <coughs> मी बाकी सब गलत हो लिसन टू समथिंग ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है भाई लिसन टू समथिंग लिसन टू म्यूजिक और लिसन टू समीक है हमेशा लिसन टू ही आता है दिक्कत है फॉर वाइल फॉर वाइल गलत फ्रेज है for a while का मतलब होता है कुछ समय के लिए ठीक है for a while means कुछ समय के लिए तो आफ्टर मैं लंच करने के बाद कुछ समय मैंने म्यूजिक सुना दैट्स इट ठीक है फॉर अ व्हाइल जितने लोगों ने बोला उनका आंसर बिल्कुल सही है यहां पर मैं जिनका नाम नहीं ले पाई उन लोगों को भी शाबाश आपने आंसर सही दिया था ठीक है क्लियर चलिए यही तो मैं कहती हूँ भाई तुम लोग पूरा स्टेटमेंट पढ़ा तो करो कि पहले कोई भी आपको मिल जाए जब तक आप 110 परसेंट उसको लेकर श्योर नहीं हो तब तक आप पूरा स्टेटमेंट बिना पढ़े आंसर मार्क नहीं करो ठीक है नहीं पढ़ा तो फिर आप ही ने अपने साथ बेवकूफी करी ना बताइए सुपरलेटिव आना चाहिए यहां पे एड मोर फ्लार इज टू स्टिकी बताओ भाई अब यही वो चीज है जो हम लोग अक्सर करते हैं कभी किसी ने घर में आटा मारा है मतलब अगर एक बार में परफेक्ट हो जाता है तो भैया बहुत अच्छी बात है अदरवाइज क्या करते हैं हम आटा मार रहे गीला हो गया और उस पर फ्लार डाला फिर करा फिर पानी डाला और गीला हो गया फिर और फ्लावर डाला तो मतलब इतना अगर हमें आटा मारना होता तो हम इतना करते हैं तो इफ इट इज टू स्टिकी टू के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है तो स्टिकी नहीं टू स्टिकी होगा ऑप्शन नंबर फोर इज राइट क्लियर है सही है चलो नेक्स्ट देखो भाई क्या हो सकता है देखिए भाई जल्दी जल्दी द फैशन डिजाइनर वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ वेयर एवर शी फाइंड यूनिक पैटर्न टू इनकॉर्पोरेट इन हर गाउन usually using carefully केयरफुली चूज to डैश टू ट्रूली unique हर यूनिक डिजाइन कितना प्यारा क्वेश्चन है सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहां पर यूज करना है कुछ नहीं कोई ग्रामर नहीं लग रही यहां पर कोई भी ग्रामर नहीं लग रही सिर्फ कॉमन सेंस वाला सवाल है ये। देखिए भाई अब कोई फैशन डिजाइनर है फैशन डिजाइनर आउटफिट्स बनाता है अच्छे अच्छे फैब्रिक्स चूज कर रहा है ठीक है यूनिक पैटर्न्स और फैब्रिक्स यही तो चाहिए है तो अगर वो अपने कपड़े बना रही है तो उसके लिए फैब्रिक देखेगी फैब्रिक सिर्फ एक ही यहां पर जो कि सिल्क लिखा है ऑप्शन नंबर वन थेके? Option number one is right. Carefully chosen silk to truly embody her unique designs. What is silk? What is silk? What is silk? Next, day go. he lost his temper by a driver, flashed her, her headlights as she overtook. What is Let's see. उसको गुस्सा कब आया उसको गुस्सा तब आया जब एक ड्राइवर ने ऐसा किया है ना उसको गुस्सा तब आया जब एक ड्राइवर ने ऐसा किया मतलब ड्राइवर के ऐसा करने के बाद उसको गुस्सा आया तो हम क्या लिखेंगे आफ्टर अ ड्राइवर फ्लैश हर हेडलाइट्स ठीक है वो उसने अपना आपा खो दिया जब एक ड्राइवर ने अपनी हेडलाइट्स फ्लैश करी जब उसने ओवरटेक किया तो ठीक है आगे चले गुड नेक्स्ट देखना द ब्लाइंड मैन कैन परफॉर्म वंडरफुली वेल इवन दो ही वॉज ओल्ड नाउ बताए भाई जल्दी जल्दी से देखें भाई आधे तो लड़ाई में ही लगे हैं आंसर नहीं करने हैं लड़ाई पहले आपस में कर लो हां ये कर लो पहले एक एक डंडा ले लो और भिड़ जाओ जो जीते बस वही आंसर करे है ना हाँ बाकी देखो भाई जब भी किसी स्टेटमेंट में नाउ आ जाए मतलब अभी की बात हो रही है ठीक है प्रेजेंट की बात हो रही है और नाउ लिखा है तो ही वॉज ओल्ड नाउ तो बिल्कुल इन हो गया ही इज ओल्ड नाउ नाउ मतलब अभी की बात तो अभी वो बूढ़ा हो चुका है ही इज ओल्ड नाउ ठीक है चला जाए आगे ये लो भाई नेक्स्ट बताना Far, far at the top of them, a shower of bright red sparks had flared among the stars. बताओ देखे भाई कौन देता आंसर सी ऑन होना चाहिए ऑन यार एक बात बताओ जब किसी स्टेटमेंट में आप प्रोनाउन देखते हो तो आपके दिमाग में ये नहीं आता कि यह प्रोनाउन किसके लिए लगा है मतलब मेरे तो आता है और आना चाहिए जब आपने स्टेटमेंट पढ़ा और ये वाला प्रोनाउन देखा तो आपको क्या लगा कि यह किसके लिए आया है इसका नाउन क्या है ये बता दो हमको कि यह प्रोनाउन किसके लिए आया है नहीं मिला ना कोई सब्जेक्ट मैं बताती हूं ये आया है शार के लिए और शार सिंगुलर है तो यहां पे देम नहीं आना चाहिए यहां पे इट आना चाहिए फार फार एट द टॉप ऑफ इट अ शार ऑफ ब्राइट रेड फ्लेयंग स्टार्स बात समझे ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ओके ऑप्शन नंबर वन ऑन द टॉप ऑफ इट ठीक है और ये इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं है एसएससी में लेवल बहुत हाई नहीं होता, बस क्वेश्चंस आपके ट्रिकी आते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस में हाने, हाने यहाँ पर इन्वोल्ट uh, मतलब इंक्लूड किए हैं आज, ठीक है? चलिए, देखते हैं भाई। नेक्स्ट बताना। प्रिंसिपल एंड इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैव कम टू टीच। जल्दी से। एनी गर्ल्स फ्रेंडशिप में। आओ बेटा हम फ्रेंडशिप करें तुम्हारे साथ चाचा क्लास में आए हैं एनी गर्ल फ्रेंडशिप में थोड़ी सी बेसिक अंग्रेजी अगर सीख लेते ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती फ्रेंडशिप मी करने की आओ भैया द प्रिंसिपल ऑन इकोनॉमिक्स इससे क्या हमें पता चला आर्टिकल दस सिर्फ प्रिंसिपल के पहले लगाए इनके पहले तो लगा ही नहीं है भाई इससे ये पता चल रहा है कि दोनों लोग एक ही हैं आर्टिकल के थ्रू हमें पता चलता है कि एक लोग हैं या दो लोग हैं जो प्रिंसिपल हैं वही इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं ठीक है क्योंकि अगर इसके पहले दा लगता तो दोनों अलग अलग होते इसलिए यहां पे हैव नहीं हैज कम टू टीच हो जाएगा हैज कम टू टीच कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत यहां पर हैज कम टू टीच क्लियर है चले अगला सवाल नेक्स्ट देखना भाई शी इज डैश ओनली फ्रेंड ऑफ गॉड शी इज डैश ओनली फ्रेंड आई हैव गॉड ये एकमात्र फ्रेंड है जो मेरे पास है मतलब मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है और वो ये है मेरी सिर्फ एक दोस्त है और वो ये है बताइए जल्दी से जल्दी से स्पीड अप वेरी गुड वेरी गुड ओके हो जाएगा शी इज द ओनली फ्रेंड शी इज द ओनली फ्रेंड द ओनली फ्रेंड क्यों हमने लिखा क्योंकि एकमात्र फ्रेंड है जब किसी स्पेसिफिक चीज को हम रेफर करते हैं तो आर्टिकल द लगाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट देखो भाई The differences were imperceptible to all but the most trained eye. अब ये बताओ जरा देखे भाई हम्म कौन दे सकता है आंसर यहां पर एक्सेप्ट ठीक है ठीक है कह रहा है डिफरेंसेस वर इम्परसेप्टेबल टू ऑल इम्परसेप्टेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो लोगों को समझ में ना आए लोगों को ना दिखे जो डिफरेंसेस थे जो अंतर थे वो सबको समझ में आ रहे थे बट जो सबसे ज्यादा ट्रेंड निगाहें थी जो सबसे ज्यादा पैनी निगाहें थी उनके अलावा मतलब पैनी निगाहों वालों को समझ में आ गए बाकियों को नहीं समझ में आया स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्टेटमेंट में कोई एरर है ही नहीं ऑप्शन नंबर टू बताइए एक्सेप्ट और पता नहीं क्या क्या कहां पे एक्सेप्ट लगा रहे हो बट का मतलब ही यहां पर एक्सेप्ट है मेरे दोस्त कभी कभी बट एक्सेप्ट के सेंस में यूज होता है और फॉर बिकॉज के सेंस में यूज होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है आज भी सीख लीजिए ठीक है क्या हमने सीखा कि बट कभी कभी एक्सेप्ट के लिए यूज होता है और फॉर कभी कभी बिकॉज के लिए भी यूज होता है इट जल्दी बताओ सही है आइए नेक्स्ट देखो भाई क्या गया था

कि जो ओके okay ना जो सबसे ज्यादा वो जो लड़का बोलता है वही हो तुम चलिए आइए बताइए इन ऑर्डर टू सर्वाइव ह्यूमन नीड टू ईट एस्कॉर्बिक एसिड मतलब सर्वाइव करने के लिए इंसान को एस्कॉर्बिक एसिड कंज्यूम करना पड़ता है बिल्कुल सही है इसमें कोई एरर नहीं है नो no एरर कोई दिक्कत कोई परेशानी चलें आगे लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप आइए देखे भाई कौन देता आंसर कैर प्रोफेसर सेट दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर प्रोफेसर सेट दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर जल्दी जल्दी सी वर्ड स्पीच देखिए इसकी डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है जल्दी जल्दी देखो इनडायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है मतलब पूरा past में हो जाता है तो लेक्चर ऑप्शन कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को इसमें बताओ क्लियर चले आगे लेट्स गो नेक्स्ट वन ये बताओ जरा ये है आपके लिए गजब का क्वेश्चन एक टेल मी कहता है आई डैश दिस बुक फ्रॉम द पास्ट टू वीक्स आई थिंक आई डैश इट बाय द एंड ऑफ दिस वीक बी सो मेनी पीपल आर सेइंग बी ओके व्हाट

मैं हफ्ते के अंत तक इसको खत्म कर चुका हूंगा सो विल द एंड ऑफ दिस वीक बताओ अब बात समझे कि मैं इसको पढ़ चुका हूंगा खत्म कर चुका हूंगा हफ्ते के अंत तक सही है सब लोग बताइए जी विल चाहिए था फ्यूचर परफेक्ट अगर पूरे स्टेटमेंट का लॉजिक मीनिंग ही नहीं समझोगे तो कैसे बात बनेगी भाई है ना चलो नेक्स्ट देखो क्या होना चाहिए ये बताओ जरा चलिए वेंट फॉर ओके 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 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है वेंट अफार की कोई यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है वेंट फॉर अ राइड क्या होना चाहिए वेंट फॉर अ राइड मतलब वो राइड के लिए निकल गया अपनी न्यू बाइक पे बैठ के डेनियल राइड के लिए निकल गया ठीक है सो डेनियल सैट ऑन हिज न्यू बाइक एंड वेंट फॉर अ राइड कोई दिक्कत परेशानी किसी को आगे चले आइए लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कहता है व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन वेरी फास्ट सब बताओ व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन वेरी फास्ट जल्दी जल्दी से जब मैं छोटा था तो मैं बहुत तेजी से भाग सकता था जब मैं बहुत छोटा था तो मैं बहुत तेजी से भाग सकता था तो पूरा पास्ट में होना चाहिए ना छोटे तो पास्ट में ही थे तो आई कुड रन वेरी फास्ट आई कुड रन वेरी फास्ट ऑप्शन नंबर वन इज राइट सही है क्लियर है गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप बताना जरा क्या कहता है द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश ये बताओ जरा देखे भाई कुछ लोग कह रहे हैं साइंटिस्ट होना चाहिए कुछ लोग आइंस्टीन कह रहे हैं कुछ लोग साइंटिस्ट कह रहे हैं आइंस्टीन वाले लोग मुझे बताएंगे क्या सोचकर आपने कहा बताएं भाई आइंस्टीन क्या सोचकर आप लोगों ने कहा आइंस्टीन वाले लोग भैया जल्दी से बताओ आइंस्टीन क्या सोचकर कहा कोई तो बताइए कोई तो बताओ भैया इंग्लिश की क्लास चल रही है इंग्लिश की क्लास चल रही है मैं कुछ जी के जी एस आपको नहीं पढ़ा रही मैं साइंस नहीं पढ़ा रही अब बताइए आइंस्टीन क्या सोचकर कहा बता रहे हैं क्योंकि थ्योरी आइंस्टीन ने दी थी इसलिए आइंस्टीन कहा बट क्या ये साइंस की क्लास हो रही है या जीके जी एस की क्लास हो रही है बताइए अगर यहां पर रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स के अलावा कुछ और लिखा होता तो बताइए अगर यहां पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स की जगह कुछ और लिखा होता तो क्या आपका आंसर यहां पर आइंस्टीन होता इंग्लिश पढ़ रहे हो जीके जीएस या साइंस नहीं पढ़ रहे हो ये पहली बात है बताइए अब कुछ लोगों का यहां पर कहना है मैम ऐसा करो मैम साइंटिस्ट कर दो पढ़ने में ठीक लग रहा है अच्छा एक बात बताओ मैं सबसे ज्यादा गुस्सा आप लोगों आप लोगों पर किस चीज के लिए करती हूं किसी क्वेश्चन में कोई मुझे बताना चाहेगा अब मैं हंड्रेड में चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूं और इसमें भी कोई अगर सही आंसर ना कर पाए तो फिर तो बेटा बड़ी दिक्कत है क्योंकि आप लोग एकदम भेड़चाल चल लिए हो किसी ने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया है यहां पर एक ने भी दिमाग इस्तेमाल नहीं किया है मैं किस चीज के लिए सबसे ज्यादा गुस्सा करती हूं यहां पर भेड़चाल के लिए नहीं मैं सबसे ज्यादा गुस्सा करती हूं डायरेक्शन ना पढ़ने के लिए डायरेक्शन ना पढ़ने के लिए मैं आप लोगों से रीजन पूछ रही थी कि आइंस्टीन रीजन दिया तो आइंस्टीन रीजन आइंस्टीन क्यों दिया आप लोग को बोलना था मैम क्योंकि प्रॉपर नाउन पूछा है और इनमें सिर्फ एक प्रॉपर नाउन है जो कि आइंस्टीन है एक ने भी ये नहीं बोला बताओ 200 बच्चे यहां बैठे हैं अब बताइए अब नहीं पढ़ा था तो गलती किसकी है भाई आप लोग खुद समझिए क्योंकि चलो तुम लोग को पता है तुम लोग बहुत ज्ञानी हो कि रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स का है कुछ और यहां पर ऐसा लिखा होता जिसका आपने नाम ही नहीं सुना होता तो क्या करते लिखते नहीं लिखते ना फिर बात समझे ऊपर साफ साफ लिखा है प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन का मतलब किसी चीज का नाम और इनमें सब कॉमन नाउन है ये सारे कॉमन नाउन है सिर्फ एक प्रॉपर नाउन है ऑप्शन नंबर टू कौनो दिक्कत या समस्या मजा आई आधे तो पलट गए आधे आंसर टूल दे रहे हैं टूल्स थ्योरी अरे वाह आधे बता रहे हैं मैम ऐसा करो टूल कर दो आंसर हे प्रभु क्या करूं मैंने लोगों का चलिए आंसर बताइए जल्दी से चलिए क्या आना चाहिए यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न क्या है यूनिकॉर्न को अगर एक इमेजिनरी एनिमल माना जाता है यूनिकॉर्न को या से प्रोनाउंस करते हो आर्टिकल एन कभी नहीं आएगा द भी आ सकता है अ भी आ सकता है ठीक है आइए ही गेव द हॉर्स इनफ रूम टू वॉक अवे फ्रॉम द वेगन वॉक अवे मतलब किसी चीज से दूर चले जाना वॉक अवे फ्रॉम द वेगन ऑप्शन नंबर थ्री कोई दिक्कत है यहां पर वॉक अवे फ्रॉम अ प्लेस ऑल राइट नेक्स्ट बताइए जल्दी जल्दी से स्पीड आप चलो कहता है वी होप दैट पापा डैश सून वी होप दैट पापा डैश सून हमें उम्मीद है कि पापा जल्दी आ जाएंगे हमें उम्मीद है कि पापा जल्दी आ जाएंगे पापा विल कम सून वी होप दैट पापा विल कम सून का मतलब है जल्द और जो चीज फ्यूचर में होने वाली है उसके लिए हम सून लिखते हैं तो पापा विल कम सून ऑप्शन अब वन ठीक है चलिए और आंसर बताइए बेटा इज कमिंग फ्यूचर के लिए तब लगाते हैं जब किसी चीज कोई चीज बिल्कुल फिक्स्ड होती है बिल्कुल श्योर sure होती है एक बच्चा यहां पे कहता है मैम इज कमिंग भी तो हो सकता है साफ साफ स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में होप लिखा था उम्मीद थी अगर किसी चीज की आप उम्मीद कर रहे हैं तो साफ है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट इट ठीक है आप कहते हो मुझे उम्मीद है कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा बट क्या आप हंड्रेड परसेंट होगी एग्जाम क्लियर कर लोगे नहीं ना तो वहां पे इज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हो ठीक है चलिए थ्री वाले लोग ओके यू वुड हैव बीन यू के साथ वुड हैव यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट की जरूरत ही नहीं है वुड हैव बीन फॉर द एग्जाम तुम तो एग्जाम के लिए तैयार थे तुम तो एग्जाम के लिए तैयार हो गए है ना चलिए नेक्स्ट बताइए भाई 200 में से कितने लोगों को क्लास समझ में आ रही है ये देख लेते हैं एक बार क्लास को फटाफट -फड़ से लाइक कर दो जिनको समझ में आ रही है सबसे पहले तो जल्दी से जाइए और कर दीजिए जिनको भी क्लास समझ में आ रही है गुड ऑन द वे बड़े सारे कह रहे हैं ऑन द वे हैं ऑन द वे ऑन द वे कंट्रास्ट कभी कभी तुम लोग ऐसा आंसर देते हो कि मैं इमेजिन करके घबरा जाती हूं कि तुम लोग अगर ऐसा आंसर दोगे ना जो कंप्यूटर तुम लोग की आंसर की चेक कर रहा होगा वो बेचारा हैंग हो जाएगा कभी रिकवर नहीं कर पाएगा अगर तुम लोग ने ऐसे आंसर दिए तो ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में कंट्रास्ट अभी रास्ते में है हा ऑन द वे कंट्रास्ट वाओ कुछ कह रहे नहीं नहीं मैम ऑन द वे नहीं ऑन वे ऑफ कर दो कंट्रास्ट के रास्ते में by way of contrast manchester united will travel slightly more than 1200 miles by way of contrast सिर्फ एक यही फ्रेज है जो यहां पर लग सकता है by way of contrast ठीक है इसका मतलब होता है टू पास थ्रू समथिंग टू पास थ्रू और अक्रॉस समथिंग by way of contrast ठीक है किसी चीज से होते हुए गुजरते हुए इसको बोलते हैं हम वे ऑफ कंट्रास्ट ठीक है चलिए एकदम दिमाग बंद कर लेते हो तुम लोग अपने दिमाग का शटर या दिमाग की दुकान खोलो सुबह सुबह क्लास में आए हो चलिए देखो भाई क्या हो जाएगा यही तक इंग्लिश आता है अरे यार जल्दी देखो जरा इफ हाउस होल्ड सी ग्रेटर रिस्क टू दे विल नॉट स्पेंड स्पेंड क्या है वर्ब है इंथुजिया क्या है एडजेक्टिव है हो ही नहीं सकता एडवर्ब मोडिफाई करता है किसी वर्ब को तो दे विल नॉट स्पेंड इंथुजियास्टिकली They will not spend enthusiastically. Enthusiastically is an adverb. Saayi ekdum? Badiyaan, jhakaas. Aao Next dekho. Deke the deputy manager dashed to resign because all his proposals were dashed down by his superiors. Jaldi jaldi se

आप पूरा स्टेटमेंट लॉजिकल लग रहा है ठीक ठीक है हान जी, हाँ जी। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सिचुएशन है बंदे का, बंदे का को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उसका कोई सारे प्रपोजल जो थे उसके ठुकरा दिए गए थे क्लियर है सही आओ भाई नेक्स्ट देखिए यू थिंक आर क्लेवर डैश तुम्हें लगता है तुम चलाक हो बताएं भाई तुम्हें लगता है तुम चला हो यू थिंक यू आर क्लेवर यू थिंक के लिए क्या यूज करेंगे हम यू थिंक यू आर क्लेवर क्या यूज करेंगे हम डोंट यू यू थिंक यू आर क्लेवर डोंट यू ऑप्शन नंबर टू इज राइट डोंट यू सही है एकदम आओ भाई नेक्स्ट देखो क्या कहता ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हीट टू वर्ड्स जल्दी से बताइए अगला सवाल ओके पेड डज नॉट डू नॉट क्या आंसर कर रहे हो सोच कर दीजिए जल्दी जल्दी से ऐसा ऐसा इसलिए होता है ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो मेरी बात पे ध्यान नहीं देती है यार ये तो सिंगुलर है ना इसके साथ डू नॉट किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता तो होना चाहिए शी डज नॉट पे हीड पे हीड का मतलब ध्यान देना अटेंशन देना तो शी डज नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स सही है ठीक है आइए दोस्त नेक्स्ट चला जाए क्या कहता बिटवीन द इलेवन द टीम देयर वाज ग्रेट डिस्कॉड एज एंड दिस लेड टू देयर डिसमल परफॉर्मेंस जल्दी जल्दी से बताएंगे सारे लोग क्या हो सकता है इसका आंसर डू लेट मी नो डू लेट मी नो एवरीबॉडी देखें भाई क्या होना चाहिए आंसर ओके 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 काफी लोगों ने आंसर दे दिया है बिटवीन द इलेवन द टीम मतलब ग्यारह के बीच <laughs> क्या होना चाहिए एटीन मेंबर्स की बात होगी तो अमंग होगा ऑप्शन नंबर टू इज राइट एटीन मेंबर्स की बात है तो अमंग होगा ठीक है आइए नेक्स्ट देखें भाई टीचर आस्ट मी टू डू अवे माई असाइनमेंट एंड सबमिट देखो भाई विद होना चाहिए डू अवे विद कर दे अच्छा और किसी को कोई ऑप्शन लग रहा है बताओ भाई बेटा डू अवे विथ समथिंग का मतलब होता है टू गेट रेड ऑफ समथिंग टू गेट रेड ऑफ समथिंग किसी चीज से छुटकारा पाना अपने असाइनमेंट से छुटकारा पाओ टीचर ये बोलेंगी तुमसे क्या रे डू ओवर का मतलब होता है फिर से करो रीस्टार्ट करो ठीक है फिर से करो और वीकेंड से पहले सबमिट करो डू ओवर अप का मतलब होता है सजाना किसी चीज को आप डेकोरेट कर रहे हो सजा रहे हो सुंदर बना रहे हो दैट इज डू अप इससे बेहतर चॉइस हमारे पास है डू ओवर जिसने बोला था वेरी गुड ठीक आगे चले आओ भाई नेक्स्ट देखा जाए बड़ा प्यारा सवाल है देखते हैं कौन दे सकता है आंसर डी होना चाहिए डी पहला और दूसरा दोनों आपने दोनों पर ध्यान दिया, दिया आपने पहले ब्लैंक और दूसरे ब्लैंक पे मोस्ट ऑर्डरली रिचार्जेबल बैटरीज यार ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा डरली रिचार्जेबल बैटरीज तो कतई नहीं होगा ये तो मैं सबसे पहले हटाऊंगी अब बताओ मोस्ट डेवलप्ड रिचार्जेबल बैटरीज नहीं 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 मोस्ट डेवलप मतलब सबसे ज्यादा उनको डेवलप किया गया है मेक्स नो सेंस एक सेकेंड डेवलप तो पहले वाले में आ रहा है तो ये वाला तो हट ही चुका है और बताइए भाई निकिता बिल्कुल सही आंसर है आपका इट्स मार्केटेड एंड प्रिवेलेंट प्रवालेंट का मतलब है जो बहुत ही वाइड फैली हुई चीज है मतलब बहुत सारे लोग अब इसको यूज करते हैं लीथेमैन बैटरी को ठीक है तो हो जाएगा मार्केटेड एंड सबसे पहले सोनी ने 1991 में इनको खरीदा था मार्केट किया था अपने व्हीकल्स में इंस्टॉल किया था मतलब खरीदा सोनी ने था ठीक है मार्केट किया था सबसे पहले और उसके बाद व्हीकल्स में सबसे ज्यादा प्रेवालेंट है मतलब फैली हुई बैटरीज है अब सारे व्हीकल्स में यूज होती हैं ठीक है तो मार्केटेड एंड एंडलेंट के अलावा कोई भी यहां पर सही नहीं है ऑप्शन नंबर वन इज राइट कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें आगे चलें लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नान सब बताइए ये तो एक ईडियम भी है जिसको समझ में आ जाए मतलब उसकी बल्ले बल्ले जल्दी से बताओ बहुत ही प्यारा ईडियम है ये चेरमी मतलब जो लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं मतलब मैं ये भी कर लू ये भी कर लू वो किसी भी चीज को मास्टर नहीं कर पाते है ना बोलते हैं ना कि कर बंदा सब रहा है एक्सपर्ट एक में भी नहीं है कर सब रहा है एक्सपर्ट एक में भी नहीं है अजैक ट्रेड्स मास्टर ऑफ नान ठीक कर सब ले रहा है लेकिन एक्सपर्ट किसी में भी नहीं है ठीक है आओ भाई बताओ भाई कैन इज़ अ मॉडल वो जिसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए सो कैन मेक अप कैन मेक अप अ स्टोरी ऑन द स्पॉट ठीक है कैन मेक अप अ स्टोरी ऑन द स्पॉट क्लियर है ठीक चलो नेक्स्ट देखना हाँ जी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है ये जो रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं ना इनको इंडस्ट्रियल एरिया से बहुत दूर होना चाहिए इंडस्ट्रीज वगैरह से बहुत ही पोल्यूशन और केमिकल्स वगैरह निकलते हैं जो कि लोगों के लिए काफी हार्मफुल होते हैं ठीक है तो रेसिडेंशियल एरियाज शुड बी फार अवे फ्रॉम फार अवे फ्रॉम का मतलब इनसे बहुत दूर होना चाहिए Far away from industrial areas. Option फार अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया दिक्कत परेशानी ठीक है सीजियल इस बार क्लियर करना है बहुत ध्यान से वो लेक्चर देख लेना जो कल रात मैंने आपको कैलेंडर से रिलेटेड बताया है ठीक है जल्दी जल्दी बताओ क्या हो सकता है आंसर टू let me know केयरफुल होना चाहिए क्या होना चाहिए इसमें बताइए जरा हेस्टी केयरफुल व्हाट शुड बी द राइट आंसर व्हाट शुड बी द राइट वर्ड टू बी यूज्ड हियर ठीक है ठीक है ठीक है केयरफुल यहां पे लिखा है शीज रादर डैश डैन रैपिड मतलब रैपिड का जस्ट उल्टा हमें चाहिए था रादर लिखा हुआ है मतलब रैपिड का उल्टा यहाँ पर केयरफुल है मतलब बहुत ध्यान से एक चीज होती है लोग हड़बड़ी में कर रहे होते हैं दूसरा होता है बहुत ध्यान से कोई काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे केयरफुल बहुत ध्यान से कर रहा है ठीक है आइए नेक्स्ट देखा जाए कहता है बोरुसिया डॉम्ड इज ए टीम विच हैज टैलेंटेड प्लेयर फॉर बेल्जियम बताओ देखें भाई कौन दे सकता है आंसर लेट्स सी देखा सबने चलिए सबसे पहली चीज यहां पर एक चीज ध्यान रखना कभी भी हम प्लूरल के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए और आन तो यूज ही नहीं कर सकते है ना तो क्या हो जाएगा बोरोसिया डॉटमंडीम विच टैलेंटेड प्लेयर्स फ्रॉम बेल्जियम टैलेंटेड प्लेयर्स फ्रॉम बेल्जियम ठीक चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या होना चाहिए स्कॉलर कह रहे हैं बहुत सारे लोग क्या किसी को यहां पर मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा है क्वेश्चन मैंने कभी पहले करवाया है आइए ये जो थीसिस होती है ना इट्स बेसिकली अ स्कॉलर वर्क समझ रहे हो स्कॉलर वर्क ही होती है तो थीसिस के साथ आपको अलग से स्कॉलरली लगाने की जरूरत ही नहीं है सुपरफ्लस है ये दिस इस हटाना पड़ेगा जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता है ना समझे फ्यूनरल के साथ सर्विस नहीं लगता थीसिस के साथ स्कॉलर या स्कॉलरली नहीं लगता बात समझे ठीक है आइए नेक्स्ट देखो भाई एडवर्ड टू प्लेस बाय बताओ भाई जल्दी जल्दी से स्पीड अप गाइस एक बार क्लास को सब लोग कर दो लाइक फटाफट से जल्दी से Yes. ट्रैजिक को हम बेसिकली यहां पे कंपेरिटिव फॉर्म हमें लिखना है क्योंकि यहां पे दान है दो लोगों के बीच में मतलब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि जो एडवर्ड टू है वो अदर प्लेस से थोड़ी कम ट्रैजिक है मतलब हमको बेसिकली कंपैरिजन करना है कंपैरिजन यहां पर सिर्फ क्या है लेस ही तो है जो कंपेरिटिव केस है बाकी से कोई भी कंपेरेटिव है ही नहीं सो ऑप्शन नंबर फोर कैन बी द राइट आंसर है ना ठीक है आइए नेक्स्ट देखो भाई नो टीचर अंटर द रूम डॉन द स्टूडेंट बताइए। ज़रूरत क्या है मीनिंग कुछ निकल रहा है ईशान पूरे स्टेटमेंट को देखो थीसिस वाले स्टेटमेंट में स्कॉलरली मैनर का क्या मतलब होता है स्कॉलरली एडवर्ब नहीं है स्कॉलरली मैनर क्लिक कर क्या करना चाहते हो कोई मीनिंग निकल रहा है उसका ये भी तो बताओ भैया अगर किसी वर्ड को लिख दो इन अ वेरी अनन्या मैनर कोई मतलब निकलेगा उसका नहीं निकलेगा ना चलिए आइए नो सूनर द टीचर द रूम दान द स्टूडेंट स्टूड एप नो no सूनर कोई भी स्टेटमेंट जब एक नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है तो इसके बाद इन्वर्जन लगता है ठीक है इनवर्जन लगता है हमें इनवर्जन लगाना पड़ेगा नो सूनर डिड द टीचर एंटर डिड द टीचर एंटर द रूम डिड द टीचर एंटर जैसे ही टीचर ने एंटर किया बच्चे खड़े हो गए ठीक नेक्स्ट देखिए क्या होना चाहिए आर होना चाहिए अच्छा बहुत काम की चीज तो टी है टी ये अनकाउंटेबल है बट टी लीव्स ये काउंटेबल है मेरे दोस्त तो आंसर क्या होना चाहिए आर सेपरेटेड और एक फैक्ट लिखा है कि टी लीव्स को हम छन्नी से छान देते हैं स्ट्रेनर से छानते हैं तो सिंपल प्रेजेंटेंस में होना चाहिए आर सेपरेटेड ऑप्शन नंबर थ्री इज एब्सोल्युटली राइट क्लियर है चलो नेक्स्ट देखिए मेनी अ अ मेनी मैन हैज अटेंडेड द मीटिंग मेनी अ मैन हैज अटेंडेड द मीटिंग बताओ भाई क्या हो सकता है आंसर अ मैन हैज अटेंडेड द मीटिंग सब बताओ मेनिया ये जब भी आएगा ठीक है इसके साथ नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है सो मेनी अ मैन हैज अटेंडेड इज एब्सोल्युटली राइट ठीक है तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन नंबर टू इज राइट ठीक no है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड क्लियर चलिए नेक्स्ट देखो फाइनली हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रिसाइज बताएं बताओ भाई क्या कर रहे हो यार प्रिसाइज कुछ गलत नहीं होता ये जो ऑप्शन में भी नहीं है जो कोई प्रिशाइज यहाँ पे कौन बोल रहा है प्रेसाइज राइटिंग जानते हो ना किसी आ, मतलब पैसेज की समरी टाइप लिखी जाती है उसको हम प्रेसाइज कहते हैं सही तो है पैसेजेस प्लूरल है एंड देयर प्रेसाइज बिल्कुल सही है नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर फोर जरूरी थोड़ी है कि हर चीज में गलती हो ही हो है ना चलो भाई नेक्स्ट देखो। Driven ड्रिवन insatiable dash, डैश एक्सप्लोर डिसाइडेड टू ट्रेवल टू द नॉर्थ पोल बताए ऐसी क्या चीज है जिसके चलते एक ट्रैवलर नॉर्थ पोल तक भी जा सकता है बताओ भाई स्ट होता है ना आजकल के लोगों को हैश टैग वैंडरल तो वैंडरलते जी हांजी जी वैंडरल के चलते कोई नॉर्थ पोल भी जा सकता है कॉम्पास इंसुलिन और हाइबरनेशन इनमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आपको ना पता हो कंपास जानते हो इंसुलिन क्या होता है वो सब्सटेंस होता है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है हमारे शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए हाइबरनेशन होता है शीत निद्रा हाइबरनेशन का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है ठीक आओ अरे क्या बोला सफर का अनुराग अरे रे, रे, बेटा एस एस सी वाह क्या हिंदी के है गजब बताइए सफर का अनुराग आज के बाद हम इंस्टाग्राम पे यही लिखेंगे हैश टैग सफर का अनुराग चलिए ध्यान दीजिए सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट वी डू सपोजिंग इफ इट रेन्स अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे बताइए बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे या तो सपोजिंग लिखो या तो इफ लिखो दोनों नहीं लिखना है ठीक है क्या लिखेंगे हम या तो सपोजिंग हटा दो या तो इफ हटा दो ठीक है कोई दिक्कत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप विशाल कुमार एक बात बताओ इंग्लिश में हमें कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा आप मेरी क्लासेस में बस रेगुलर हो जाओ फिर देखो क्या मैजिक होता है ठीक है इंग्लिश के लिए एसएससी का एग्जाम निकालना है तो बस मेरी क्लासेस को पकड़ लो और हर दिन आना शुरू कर दो दैट्स इट दैट्स ऑल आई कैन ऑल आई नीड टू से आइए हार्डली के साथ हमारा मन बहुत करता है कि हम दान लगा दें और अच्छा भी लगता है पढ़ने में बट गलत है हमेशा वैन लगता है ये अच्छा लगता है पढ़ने में तभी ये एरर दी बहुत जाती है ठीक है इसके साथ हमेशा वैन लगता है क्लियर है चलिए नेक्स्ट बताइए इंफ्लुएंजा पांडेमिक स्वीप द वर्ल्ड विद इन मंथ क्या हो जाएगा देखा सबने चलिए बहुत ध्यान से देखो इसको 1918 एटीन इन्फ्लुएंजा की बात हो रही है 1918 इन्फ्लुएंजा की बात हो रही है मतलब पास्ट की बात हो रही है और पास्ट के लिए पास्ट टेंस का यूज होता है पूरे स्टेटमेंट में तो यहाँ पे स्वीप की जगह लगेगा स्वेप्ट स्वीप का पास्ट टेंस है swept. Swept the world swept the world लगेगा. अगला देखना जरा फटाफट से If I was your sister, I would have never slapped you. अगर मैं तुम्हारी बहन होती तो मैं तुम्हें कभी स्लैप नहीं करती देखिए और झट से आंसर बताइए सब लोग बताओ अगर मैं तुम्हारी बहन होती तो कभी स्लैप नहीं करती गुड काफी लोगों ने आंसर दिया है यहां पर ध्यान दीजिएगा वर इफ आई वर योर सिस्टर हाइपोथेटिकल केसेस में याद रखना सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो डजंट मैटर हमेशा वर लगता है इफ आई वर योर सिस्टर आई वुड हैव नेवर स्लप्ड यू ठीक है चलिए नेक्स्ट देखा जाए कहता है सिलेक्शन ऑफ सूप्स एंड सैलेड्स आर डैश एट द कैफे फॉर दोज हु वांट डैश लंच विदाउट देखे भाई हु कैन गिव द राइट आंसर बताइए ठीक है अवेलेबल जिनको हेल्दियर ऑप्शन लंच में चाहिए उनके लिए सूप्स और सैलेड्स भी हैं तो अवेलेबल है सेलेक्शन ऑफ सूप्स एंड सैलेड्स आर अवेलेबल एट द कैफे फॉर दो सही है ठीक है चलो नेक्स्ट देखा जाए द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी लार्ज देन आई हैड इमेजिन बताओ भाई जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है प्ले मेरी तो पीठ टूट गई मेरी तो कमर टूट गई उसको साफ करते करते लार्जर दैन आई लगता, हमेशा दैन लगता है ठीक है लगता है किसी को पनिशमेंट मिली है है ना सफाई करने की ऑप्शन नंबर वन इज राइट नेक्स्ट देखना बताओ भाई क्या हम सब एक ही रूप में सो सकते हैं बी क्या होना चाहिए Yes, yes, yes. B is the right answer. Can we all? Can we all sleep? क्योंकि हमको subject चाहिए था तो we यहां पर subjective case हम सब क्या एक साथ सो सकते हैं So can we all sleep in the same room, माधो ठीक है Next देखिए Tell me. अकबर का जो समय था उसको एक ग्लोरियस पीरियड की तरह दिखाया गया है हमारी हिस्ट्री की किताबों में है ना सो वाज वन ऑफ द बहुत सारे ग्लोरियस टाइम्स थे लेकिन उनमें से एक था सो वाज वन ऑफ द ग्लोरियस पीरियड्स ऑप्शन नंबर 1 रेन ऑफ अकबर अकबर का शासन जितने भी ग्लोरियस पीरियड्स थे उनमें से एक था ठीक है चलो नेक्स्ट देखो व्हाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस टू अवॉइड दिस वर्क तुम इतने बहाने क्यों बना रहे हो इतने बहाने क्यों बना रहे हो इस काम को अवॉइड करने के लिए जल्दी से बताइए हाँ क्या बोलती जनता क्या होना चाहिए डबलओ टू होना चाहिए बताओ टी डबल ओ टू नहीं हो सकता वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस टू अवॉइड टी डबल ओ टू ऑल्सो के लिए भी लगता है जब कोई चीज एक्सेस हो तो उसके लिए भी लगता है ठीक है यहां पर कोई जरूरत इसकी नहीं क्योंकि यहां पे तो हमको नॉर्मल इंफिनेटिव चाहिए था ठीक है नेक्स्ट देखिए कुनाल अपना एग्जाम टाइम पर फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि उसने देर से शुरू किया था हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं याद रखना एक है लेट और एक है लेटली लेटली एक एडवर्ब है लेट एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अब डिफरेंट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लेट का एडवर्ब फॉर्म लेटली है ठीक है इसका मतलब है देर से ठीक है और इसका मतलब है हाल ही में हाल ही में मतलब रिसेंटली तो यहां पे रिसेंटली की बात नहीं उसने देर से शुरू किया तभी तो लेट हो गया सो so, लेटली नहीं होगा लेट होगा ही स्टार्टेड लेट बिकॉज ही स्टार्टेड लेट क्लियर एकदम झकास चलिए नेक्स्ट देखो भाई ये बताओ जल्दी से बताइएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा आंसर कहता है एटी गर्ल्स आर देर आर फोर लॉन्ग टेबल्स डूइंग देयर होमवर्क सही तो है कैंडल लाइट में अपना अपना होमवर्क कर रही थी नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन नंबर टू इज राइट ठीक है नेक्स्ट देखो ही इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल एंड इफ आई विदाउट लाइट और अ फ्लावर विदाउट डैश बताइए जरा ये क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा है फ्रेगरेंस फ्रेगरेंस थोड़ा सा एनोलॉगी टाइप है ना जो रीजनिंग में आते हैं सो ही इज लाइक बॉय को अगर सोल से मैच किया जा रहा है आई को लाइट से तो फ्लावर को हम फ्रेगरेंस से कह सकते हैं ठीक है फ्लावर विद क्लियर चलिए नेक्स्ट इंग्लिश का कम हो रीजनिंग का क्वेश्चन ज्यादा था चलो नेक्स्ट बताओ द फायर फाइटर्स वर एबल टू पुट आउट द फायर इन द इंडस्ट्रियल यूनिट बताइए पुट put आउट put का मतलब होता है बुझाना एक्सटिंगश एक्सटिंगिश ठीक है और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन डाल देना किसी चीज को अब बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें किसी को परेशानी सही है ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई क्या होता कहता है दीज वर टू इंडियन मैन हाइडिंग इन द फॉरेस्ट ये दो इंडियन मैन है जो फॉरेस्ट में छुपे हुए थे जल्दी जल्दी से कौन देगा आंसर बताओ भाई क्या होना चाहिए हैड बीन ओके ओके दीज वर यहां पे लिखा है पास्ट ठीक है और अगर पास्ट है तो मतलब पहले छुपे थे बाद में तो ढूंढ लिए गए पहले छुपे थे सो दीज वर टू इंडियन मेन्स हु हैड बीन हिडन इन द फॉरेस्ट सही है डन आओ दोस्त क्या हो जाएगा आंसर सिंस एवरीवन न्यू द वे डैश अ मैन हार्ट वॉज थ्रू स्टमक शी स्टार्टेड डैश अ स्पेशल मील बताओ भाई वे टू अ मैं हार्ट बोलते ना कि जो आदमी है उसका जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर गुजरता है तो उसने खाने से शुरू किया शी स्टार्टेड विदेशल मील वे टू अस हार्ट एंड स्टार्टेड विथ स्पेशल मील ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट क्लियर चलिए नेक्स्ट चलते हैं बताना जल्दी जल्दी से अब तक सबने क्लास को लाइक भी नहीं किया नॉट इवन टू हंड्रेड लाइक्स ऑन द क्लास क्या बात है भाई इतनी बेकार लग रही है क्लास हां समझ ही में नहीं आ रही फटाफट पड़ से कर दीजिए लाइक अगर आ रही है आपको समझ में तो ठीक है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है लोग कह रहे हैं साइड होना चाहिए दे लेफ्ट द कार बाय द साइड ऑफ द रोड एंड वेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के अंदर चले गए बाहर से फॉरेस्ट के अंदर चले गए तो वेंचर्ड इनटू बिल्कुल सही है बाहर से अंदर जा रहे हैं तो वेंचर्ड इनटू विल बी यूज्ड ठीक है नेक्स्ट देखो आई टोल्ड द पोर्टर टू कैरी द बैगेजेस इन माय रूम मैंने कूली को बोला कि बैगेज को मेरे रूम में ले जाए बताओ जरा क्या दिक्कत है इसमें मैंने कूली को बोला कि जो सामान है बैगेज है मेरे रूम में ले जाए बताइए बताइए सामान को मेरे रूम में ले जाए सी कह रहे हैं बड़े सारे लोग बैगेज इज एन अनकाउंटेबल नाउन लगेज ले लो फर्नीचर ले लो बैगेज सब अनकाउंटेबल होते हैं तो इनका प्लूरल तो हो नहीं सकता बैगेज टू माई रूम कैरी समथिंग टू समवेयर कैरी द बैगेज टू माई रूम ठीक है चलो दोस्त नेक्स्ट देखो My सिस्टर इन लॉ हु लिव इन Bangalore हैज कम टू स्टे विद मी बताइए जरा जल्दी जल्दी से चलिए क्या हो जाएगा माई सिस्टर इन लॉ हु इन बैंगलोर मेरी सिस्टर इन लॉ जो बैंगलोर में रहती है हु लिव्स इन बैंगलोर सही है हु लिव्स इन बैंगलोर वो मुझसे मिलने मेरे साथ रहने आई है ठीक है चलो नेक्स्ट बताना प्लीज टेल मी बताइए मुझे ऑप्शन बताओ कौन सा होना चाहिए इसमें बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये दिस ब्रिज नाइदर या नाइदर के साथ दो दो कनेक्टर लगाने की क्या जरूरत है हा यहां पर तो दो दो कनेक्टर लग रहे हैं एंड और ठीक है तो ये तो गलत है एंड नाइदर भी गलत है नाइदर के साथ सिंपली नॉर होना चाहिए डबल कनेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं ठीक है कि आप एंड भी लगा रहे हो नॉर भी लगा रहे हो मेक्स नो सेंस ऑप्शन नंबर टू इज राइट ठीक है आओ नेक्स्ट देखो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर चल मी क्या हो सकता है यहां पर एक लड़का है जो क्लास में भागते भागते आया अब लड़का क्लास में भागते भागते आ रहा है मतलब द बॉय इज सब्जेक्ट और अगर लड़का बॉय सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हिम नहीं यूज होगा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होगा इट वॉज ही इट वॉज ही हु केम बस हमको इतना पहचान लेना है कि जो नाउन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है किसी भी स्टेटमेंट में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट ठीक है सो इट वॉज ही ठीक है चलो नेक्स्ट देखो बताइए देखे भाई कौन दे सकता है आंसर प्रीस्ट की बात हो रही है प्रीस्ट पंडित है मतलब जो लोग इकट्ठा हैं वो किसी पूजा पाठ के लिए इकट्ठा हैं तो ऐसे लोग जो किसी पूजा पाठ के लिए इकट्ठा होते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं अ पीपल हु आर कलेक्टेड फॉर सम रिलीजियस पर्पस ऐसे ग्रुप को हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं ऑप्शन नंबर थ्री कितना स्पेसिफिक आंसर था इसका यार सही है चलो पंद्रह मिनट हार्डली बचे हैं क्लास को ठीक है थोड़ा सा अटेंटिव होकर और एनर्जी के साथ बताओ मतलब मुझे सुबह सुबह दो घंटे पता ही नहीं चलते यार I don't know why. बताओ हे we hey भगवान दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग मतलब मेरे साथ ट्वेंटी आज तक हुआ है कि मैं अपना टूथ ब्रश लेकर गई हूँ कहीं पर एट्टी परसेंट ऑफ टाइम्स मैंने नहीं पैक किया है wow, बताइए पूरा का पूरा स्टेटमेंट पास्ट में चल रहा है तो यहां पे अचानक से प्रेजेंट क्यों आया पास्ट ही होना चाहिए था आई फोग आई फोगॉट टू पैक माय टूथब्रश फॉर ऑर वेकेशन ऑप्शन नंबर टू इज राइट ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई कौन दे सकता आंसर इसका थ्री सी होना चाहिए टेड दिस पुलिस पावर विल ओनली अप्लाई टू एयर एंड सी रूट्स बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड क्या होना चाहिए थ्री या फिर वन सी रूट बिटवीन ग्रेट बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन के पहले दा नहीं आएगा ग्रेट ब्रिटेन के पहले दा नहीं आएगा और नदर्न आईलैंड के पहले भी दा नहीं आएगा सो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट ग्रेट ब्रिटेन एंड अदर islands, आयरलैंड ठीक है अगर यू यूके होता तब आता द सही है ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए उसका जो बुक स्टोर है वो इतना क्यों चल गया क्योंकि उसने बहुत एक अच्छी लोकेशन चूज करी थी है ना बुक स्टोर उसका चल गया क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छी लोकेशन चूज करी थी शी द बुक स्टोर फ्लरिश्ड बिकॉज शी पिक फ्लरिश्ड पास अ वेरी गुड लोकेशन सही है ना इजी नेक्स्ट देखो वी मस्ट लीव अर्ली डैश वी वोंट गेट अ गुड सीट बताएं भाई जल्दी निकलना पड़ेगा नहीं तो अच्छी जगह अच्छी सीट नहीं मिलेगी अदरवाइज नहीं तो जल्दी निकलना पड़ेगा नहीं तो अच्छी सीट नहीं मिलेगी ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें है ना चलिए नेक्स्ट बताना ही बेस्ट अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ द फाइट इट इज नो लॉन्गर हिज डिसीजन टू मेक बताएं भाई बेटर होना चाहिए गुड होना चाहिए ठीक है बेस्ट अंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए ही बेटर अंडरस्टैंड ही बेटर अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ द फाइट इट इज नो लॉन्गर हिस्ट डिसीजन टू मेक उसको बेहतर यह चीज पता है कि उस फाइट की वजह से अब वो उस डिसीजन को नहीं ले सकता ठीक है हाँ जी हां जी नेक्स्ट देखना और ही बेटर आया उसी लिए उसके बाद हमने अंडरस्टैंड लिखा क्योंकि ऐसे फ्रेजेस के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट बताइए एक वर्ब है तो वो आपको मॉडिफाई कौन करेगा एडवर्ब सिर्फ ऑप्शन नंबर टू ही तो एडवर्ब है यहां पर ठीक है चलिए नेक्स्ट देखा जाए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए तो सोशल मीडिया इज यूज सोशल मीडिया इज यूज टू मार्केट प्रोडक्ट्स ऑप्शन नंबर फोर यूज टू मार्केट प्रोडक्ट्स ठीक है नेक्स्ट देखना भाई क्या हो जाएगा आंसर आई रिसीव वर्ड दैट यू आर अटेम्प्टिंग टू कॉन्टेक्ट मी बताओ क्या लग रहा आंसर इसमें नो no इंप्रूवमेंट कह रहे हैं कुछ लोग तुम तो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ठीक तो है ग्रामेटिकली लॉजिकली हर तरीके से ठीक है है ना तुम तो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे यू वर अटेम्प्टिंग टू कॉन्टेक्ट मी सही है ना आइए नेक्स्ट एक है यू प्लीज स्टॉप डैश इट्स मी हु कीप्स मेसिंग अप द वर्क जल्दी से बताएं आइए क्या लग रहा है आंसर कैन यू प्लीज स्टॉप क्या तुम ये अज्यूम करना बंद करोगे कि मैं हूं जो हर चीज को बिगाड़ रहा हूं ये बंदा कह रहा है कि सामने वाले से कि भैया ये तुम अज्यूम करना बंद करो कि हर चीज मैं ही बिगाड़ रहा हूं ये मानना बंद करो कि हर चीज मैं बिगाड़ रहा हूं अम्यूजिंग नहीं सॉरी अज्यूमिंग अम्यूजिंग का तो मतलब होता है कोई चीज आपको मजेदार लग रही है मजा आ रहा है कहीं पे तो अम्यूजिंग नहीं अज्यूमिंग क्या तुम ये मानना बंद करोगे कि हर चीज मैं ही बिगाड़ रहा हूं सही है चलो नेक्स्ट देखो बताइए अ चैलेंज नो एक स्पेसिफिक चैलेंज की बात हो रही है चैलेंज ऑफ टीवी स्क्रीन चैलेंज टीवी स्क्रीन के चैलेंज की बात हो रही है सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक चैलेंज तो द चैलेंज बिल्कुल सही है और फिल्म इंडस्ट्री के पहले आर्टिकल द लगना चाहिए सो द फिल्म इंडस्ट्री इज फेसिंग द चैलेंज ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन विच बिकॉज ऑफ इट्स बलबलबला ऑप्शन नंबर 1 सही है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट क्लियर चलिए नेक्स्ट देखें सब बताओ क्या होना चाहिए अब बताइए मैंने आप लोगों को मुझे लगता है पहला दिन था जब हंड्रेड एंड वन गोल्डन रूल्स वाला तो उस पहले दिन ये रूल मैंने आपको कराया था कि प्रेफर प्रेफरेबल के साथ जेरेंस लगते हैं और इनके साथ प्रेपोजिशन टू लगता है कराया था रूल की नहीं कराया था जितने लोग राइड बता रहे हैं इनके साथ प्रेफर प्रेफरेबल वगैरह के साथ जेरंस का यूज होता है तो क्या हो जाएगा नीता प्रेफर्स राइडिंग टू राइडिंग वॉकिंग ऑप्शन नंबर थ्री इज राइड राइडिंग टू वॉकिंग मतलब वॉक करने से बेहतर वो राइड करना पसंद करती है क्लियर है चलो नेक्स्ट बताइए ठीक है बताओ जल्दी जल्दी देखा चलिए क्या हो जाएगा यू हैव एग्जैक्टली वन आर टू कंप अरे टू के साथ कंप्लीट क्यों लगाया है टू आर टू वन आर टू कंप्लीट वन आर टू कंप्लीट द एग्जाम ऑप्शन नंबर फोर इज राइट ठीक है चलो नेक्स्ट देखो भाई बताइए धर्मेंद्र इज गोइंग डैश द नाइफ नेक्स्ट मंथ टू ट्राई टू डैश हिज नी प्रॉब्लम्स सब बताओ अंडर द नाइफ का मतलब जानते हो क्या होता है ऑपरेशन होना सर्जरी होना इसको हम कहते हैं टू टू गो और टू बी अंडर द नाइफ सर्जरी होना इसलिए यहां पे अंडर द नाइफ आएगा नी प्रॉब्लम की वजह से उसका ऑपरेशन होना है ये इडियोमैटिक फ्रेज ने अंडर द नाइफ और टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म टू सॉल्व हिज नी प्रॉब्लम ठीक है नाइफ टू सोल्व हिज नी प्रॉब्लम नेक्स्ट बताइए अगर मैं क्लाउन होता तो मैं सबको खुश कर देता है ना आप क्लाउन हुए बिना तो यार ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबको खुश कर पाओ राइट बताइए ठीक अगर मैं इफ आई वर अ क्लाउन हाइपोथेटिकल केस है इफ आई वर अ क्लाउन आई वुड हैव मेड एवरी वन स्माइल ठीक है चलो नेक्स्ट बताइए ये वाला तो ऐसा क्वेश्चन है कि रूल पता है तो आंसर आप आराम से दे लेंगे इसका इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव नाउन यूज होता है ठीक है एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सो इंटेलिजेंट पीपल ऑलवेज अवेल देम सेल्स पीपल है तो देम सेल्स हो जाएगा ऑलवेज अवेल दम सेल्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी इंटेलिजेंट लोग हमेशा मतलब मौके का और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट डैश फूड कंजम्पन कैन अफेक्ट बॉडीज इम्यून सिस्टम टेल मी क्या हो सकता है इसका आंसर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ऐसी क्या चीज है जो खराब कर सकती है अनहाइजेनिक फूड गंदा खाना जो हम बाहर खाते हैं ना ठेले पे खड़े होकर वैसा खाना अनहाइजेनिक फूड सही है चलिए एक सवाल और करते हैं आई डोंट रिमेंबर एक्सैक्टली वेन द क्लाउड्स रोल इन एन डैश फ्रॉम मी क्या हो जाएगा आड़ा दुख भरा स्टेटमेंट है ना? एक बंदा दूसरे दूसरे बंदी से कहता है कि यार मुझे तो पता नहीं चला कि कब ऐसे बादल हमारे जीवन में छाए जो तुम्हें मुझसे चुरा के ले गए मतलब वो स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है सो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली वेन द क्लाउड रोल इन एन स्टोल यू फ्रॉम मी एंड स्टोल यू फ्रॉम मी ऑप्शन नंबर टू बहुत दुख भरा स्टेटमेंट है ठीक है चलिए ये जो सवाल है यार ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है देखती हूँ कोई अच्छा क्वेश्चन आप लोग को असाइनमेंट दूंगी एक बार सारे लोग क्लास को कर दो फटाफट -फड़ से लाइक ठीक है जल्दी से करना क्लास को लाइक like, ये है आप नहीं ये नहीं यार यस 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 दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट ये है आपका आज का असाइनमेंट क्वेश्चन क्लास समझ में आई हो तो लाइक जरूर कर देना 2024 में अगर एग्जाम्स की तैयारी शुरू करनी है और सोच रहे हो मैम कैसे शुरू करें क्या करें ऐसा तो मैं साढ़े बारह बजे आपके लिए एक स्ट्रैटेजी सेशन लेकर आ रही हूं साढ़े बारह बजे ठीक यहीं पर तो आधे घंटे में खाना वाना पेट पूजा करके आओ पांच दस मिनट की स्ट्रैटेजी आपको बतानी है कि अगर आप शुरू करने जा रहे हो 2024 की तैयारी तो क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए कैसे शुरू करना चाहिए पढ़ाई ठीक है बाकी अगर पेड बैचेस लेने हैं यार गजब का डिस्काउंट चल रहा है एसएससी का सुपर पैक जिसके अंदर आप लोगों को सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती है उतने का जितने का लगभग आपको मॉक टेस्ट मिलता है ना उतने में आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है नौ महीने के लिए वो भी तीन महीने भी एक्स्ट्रा फ्री मिल रहे हैं तो अनन्या कोड यूज करना है 604 सौ चार रुपए का आपको मिल जाएगा कैसे मिलेगा टेस्ट बुक की वेबसाइट पे क्या खोलना है आपको डब्ल्यू 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 एक तो यार ये कीबोर्ड खुलना बंद हो जाता है टेस्ट बुक की वेबसाइट खोली हमने डब्ल्यू 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 डॉट टेस्ट बुक डॉट कॉम कोचिंग पे हम गए सुपर कोचिंग पे यहाँ पे हमने क्या किया ये देखो एस एस सी एग्जाम वाला सेक्शन है इसको हमने क्लिक किया अब यहाँ पे एस एस सी का सुपर पैक सिक्स फोर्टी नाइन प्लस को दिखा रहा है प्लस मंथ्स का हमने क्लिक कर लिया अलग से लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं हमने यहाँ पे पे, पे नाउ पे क्लिक किया लेकिन अभी यहाँ पर पे, पे मत करना क्योंकि कोड नहीं लगाया आपने चेंज प्लान पे क्लिक करना और यहाँ पे सिक्स फोर्टी नाइन को हमने क्या हमने क्या किया अभी अभी परचेज नहीं करना था यहाँ पे अभी तो कोड ही नहीं लगा

लाइव कोचिंग जिसमें हर सब्जेक्ट की प्रॉपर कोचिंग है फॉर ऑल एस एस सी एग्जाम्स तो दो शुरू करना है तो इससे बेहतर तरीका तो नहीं हो सकता ठीक है बाकी डिटेल में मैं आप लोगों को कैसे कैसे पढ़ाई शुरू करनी वो बताऊंगी साढ़े बारह बजे अभी ठीक है सो गाइस टेक्स्ट बुक पास पे भी डिस्काउंट चल रहा है बट अलग से वो लेना चाहो तो अनन्या पास बोर्ड यूज करोगे ठीक है सो टेक केयर गाइस टेक केयर ऑफ योर मिलते हैं आपसे अभी आधे घंटे में और उसके बाद नेक्स्ट मैराथन है रात में दस से बारह ठीक है सो बाय गाइस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट राधे राधे सी यू